वेलकम गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी कमर पर फ्लेयर गन लगी हुई है और मेरे बैग में एक फ्लेयर गन की एमो भी रखी हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्लेयर गन की लोकेशन बताऊंगा। सबसे पहली लोकेशन जहां आपको फ्लेयर गन मिलेगी वो जॉर्जोपोल है। जॉर्जोपोल में ट्रिपल वेयरहाउस के सामने जो कंटेनर देखने को मिलते हैं उसी में जो कंटेनर नीचे की तरफ खुला हुआ रखा है, मेरे को फ्लेयर गन उसके अंदर मिली। आप देख सकते हैं कि मेरे बैग में 3 एमो हो गई। जैसे ही मैंने फ्लेयर गन को ड्रॉप किया मुझे ये वाली फ्लेयर कहीं और मिली थी, जिसकी लोकेशन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगली लोकेशन जहां पर आपको फ्लेयर गन देखने को मिलेगी वो जॉर्जोपोल है। आप लोगों को जॉर्जोपोल में इस वाले वेयरहाउस में भी फ्लेयर गन मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कमर पर फ्लेयर गन है और बैकपैक में फ्लेयर गन की 2 अमो है। अब मैं जैसे ही फ्लेयर गन उठाऊंगा मेरे पास 3 अमो हो जाएगी और एक फ्लेयर गन, मेरे पास टोटल 4 फ्लेयर हो गई। आप लोग जैसा कि अमो का नंबर अब देख सकते हैं। अगली 3 लोकेशन जो मैं बताऊंगा, उन तीनों लोकेशन पर मैं एक ही गेम में गया था और मुझे तीनों लोकेशन पर फ्लेयर गन मिली थी। तो जो सबसे पहली लोकेशन है उस लोकेशन पर मुझे इस अपडेट में बहुत कम बार फ्लेयर गन मिली, पर मिली जरूर। ये वाली लोकेशन मिल्टा फैक्ट्री है। इस अपडेट में भी आपको मिल्टा फैक्ट्री में फ्लेयर गन मिलेगी, लेकिन कम चांसेस है इस लोकेशन पर फ्लेयर गन मिलने के, पहले ही बता दे रहा हूँ। मिल्टा फैक्ट्री के बाद जिस लोकेशन पर मैं गया था इस गेम में, उस लोकेशन पर तो 90% ऑफ द टाइम्स फ्लेयर गन मिलती ही मिलती है। आप लोग जब भी गेम खेलते होगे तो नोटिस करना, अगर मिलिट्री बेस में जोन बनेगा तो वहाँ पर फ्लेयर चलेगी ही चलेगी। आपको मिलिट्री बेस के टावर के बगल जो ऑफिस है उसमें सबसे ज्यादा बार फ्लेयर मिलेगी, या तो रोड की तरफ जो सी बिल्डिंग है उसमें। जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे 3 फ्लेयर गन एक ही गेम में मिली थी, तो जो आखिरी लोकेशन है जहां पर मुझे फ्लेयर गन मिली थी वो ब्राउन वाला वेयरहाउस है। ये वाला वेयरहाउस मिलिट्री बेस आइलैंड के नीचे की तरफ जो नया वाला पोर्ट ऐड हुआ है वहां पर है। ये सारी फ्लेयर गन की लोकेशन पबजी के वियतनाम वर्जन में मुझे मिली थी।